दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। शुक्रवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रत्याशियों की सूची का ऐलान किया। लिस्ट में अनुसूचित जाति के 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 4 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये हमारे 57 उम्मीदवार आज घोषित किए जा रहे हैं और जो बाकी सीटें हैं वो भी हम जल्दी ही घोषित करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ ये विजेताओं की टीम है और हम पूर्ण बहुमत से ये 2020 का विधानसभा जीतने की तरफ अग्रसर हैं। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडा पे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को दिल्ली के हर घर तक पहुंचाकर हम अपना परिचय देंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।